फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। तो इसका दो मेथड होता है, जो कि एक कंट्रोल पैनल से होता है और दूसरा जो होता है कमांड प्रॉम्प्ट से होता है। तो जो कंट्रोल पैनल से अगर हम उसका पासवर्ड रीसेट करते हैं या फिर सेट करते हैं, तो उसके लिए हमें अपना पुराना पासवर्ड वहाँ पर इंटर करना होता है। अगर आप अपना पुराना पासवर्ड भूल गए हैं, तो इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट से यहाँ पे उसका पासवर्ड हमें रीसेट करना होगा। तो उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ओपन करना है, यहाँ से सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर आप यहाँ पे सिंपली विंडो प्लस आर भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे विंडो प्लस आर क्लिक किया तो यहाँ पे सीएमडी जो रहता है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप करना होगा नेट यूजर, यहाँ से इंटर कर देंगे। और इसके बाद हमें टाइप करना होगा नेट यूजर, और यहाँ पे जो गेस्ट है वो यहाँ पे टाइप करना होता है। अगर आपका यहाँ पे कुछ और लिखा है तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आप अपना न्यू पासवर्ड क्या इंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पे कोई न्यू पासवर्ड यहाँ पे बना लिया, उसके बाद यहाँ से इंटर कर देंगे तो हमारा जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना होता है कि आपको अपना पुराना पासवर्ड भी यहाँ पे इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे आपका जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा एक्सेस डिनाइड हो जा रहा है क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले सेट किया है। अगर आप करेंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं शो होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।